मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मैथ नहीं आती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जब इंसान पैदा होता है तो वो कुछ सीख के नहीं आता अंदर से, बाहर आने के बाद ही दुनिया में सीखता है कि क्या कैसे करना है और ये दुनिया कैसे चल रही है, उसी के अनुरूप ढलता है। अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेजी नहीं सीखता है, वो शुरू से ही जब बोलना शुरू करता है तो अंग्रेजी में ही बोलना शुरू करता है, जबकि हिंदी में अपने यहाँ के जो बच्चे हैं वो शुरू से ही अबे तबे सीखते हैं तो बाद में उसे बोलते हैं। तो ये अपने कल्चर और वातावरण पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये मैथ नहीं आती है, आप सीखेंगे, ज़रूर आएगी, ये हमारी गारंटी होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सभी 1,00,000 मित्रों का प्यार बोल रहा है। चलिए देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। आप सभी लोगों का सवाल होता है कि सर जो ये हिंदी वर्ड हैं बहुत कठिन होते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जरा ध्यान से समझना विथ सम एग्जांपल। -5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। DLET, TET, CTET, RRB, SSC हर एक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ तक कि UPSC की परीक्षा में भी ये सवाल आ ही जाते हैं घुमा फिरा के। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल शांत दिमाग से आपको एक काम करना होता है, इनका सिर पकड़ के नीचे कर देना होता है और पैर पकड़ के ऊपर कर देना होता है, बस इतना ही करना होता है। लेकिन ध्यान रहे, जो चिन्ह रहता है ना उसको बिल्कुल नहीं छेड़ते, चिन्ह को वैसे लिख देते हैं। ये माइनस में है तो इसका आंसर जो है माइनस में ही आएगा, जबकि आपके समझ बूझ के लिए बता दें अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम बोलते तो इनका सिर पैर ऊपर नीचे ना करते, जैसे थे वैसे ही रहते, 5/7 थे तो ऐसे ही रहते, लेकिन उसमें चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये है -5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये है एडिटिव इनवर्स यानी कि योगात्मक प्रतिलोम। बात समझ में आई ना, हेडिंग तो एक का लिखा हूँ लेकिन आपको एक के साथ एक फ्री ऑफर, ध्यान से देखना। 8/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, पलट दो 3/8 हो जाएगा बस, लेकिन अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम बोलेंगे तो क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम में -8/3। हाँ ध्यान रहे, ये पलटेगा नहीं योगात्मक में, ये पलटी तो मारता है गुणात्मक में। हाँ चिन्ह जो है, जरा ध्यान से समझना एक बात आँख बंद करके, जो योगात्मक प्रतिलोम होता है उसमें चिन्ह में कोई छेड़छाड़ नहीं होती, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन अंश का हर हर का अंश बन जाता है, जबकि जो योगात्मक प्रतिलोम है उसमें सारा मामला चिन्ह पर डिपेंड करता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है, जबकि वो जैसे तैसे उतार लिए जाते हैं, केवल चिन्ह बदलता है। तो इसको भी बता ले जाओगे आप लोग प्यार से, 9/1 मीन्स 1/9, चिन्ह जो है वही रहेगा, इसका हो जाएगा -9। तो ये था पूरा फंडा आपका गुणात्मक और योगात्मक प्रतिलोम का। क्लास छोड़ के मत जाना, अभी बहुत मज़ा आने वाला है, मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे 10 मिनट की क्लास हो जरूर देखा करिए PBR स्टडी की, ये देखकर मत छोड़ दिया करिए यार कि भाई ये बहुत छोटी क्लास है का देखूँ फालतू। कुछ लोग तो ऊपर से वीडियो ऐसे छोड़ देते हैं, कहते हैं बहुत छोटा है। देखिए साथियों, अगर आपका एग्ज़ाम है और आप जाते हैं कहीं दूसरे ज़िलों में या राज्यों में और वहाँ से ऑटो वाले से पूछते हैं भाई फलाना कॉलेज कहाँ है, तो वो क्या बताता है, अरे जी अभी बहुत दूर है यहाँ से, 2 घंटा लग जाएगा, तो बैठ जाओ मैं छोड़ देता हूँ। तो वो क्या करेगा, भले उस कॉलेज की बिल्डिंग यहाँ से दिख रही है लेकिन आपको वो 3-4 गली घुमा कर वहाँ पहुँचाएगा और 10 रुपये के बदले आपसे 25 रुपये लेगा। ये होता है कि नहीं होता, कमेंट करके बताना। तो बिल्कुल उसी तरह का ये कुछ सवाल है, अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपको क्या करेंगे, घुमाएंगे चारों तरफ फिर ले जाके वहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको मालूम है तो आप नहीं घूमेंगे, अनुभव किए होंगे आप। देखिए इसमें एक सबसे बड़ी बात है, जीरो जीरो है ना, अगर इसको जोड़ो घटाओगे काटो पीटोगे सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, कोई मतलब नहीं, इसका आंसर जीरो आएगा बस। अब आप कहोगे कैसे, चूंकि हमने आपको पढ़ाया था जीरो का प्रगुण, इसमें देखो बीच में कहीं धन का चिन्ह नहीं, हर जगह गुड़ा गुड़ा है, मल्टीपल है ना, हर जगह मल्टीपल है ना, तो फाइनल में जीरो आ जाएगा, नहीं तो चलो दिखा देता हूँ ना, विश्वास हो तो लिए लो देख लो, चलो ठीक है मल्टीपल है ना, 2 से काटो, 2 से 14, इसको 2 से काट दो 16, ये -16 हो गया और ये 5/-7 हो गया, इतना तो क्लियर है ना, इंटू ये नीचे ऊपर माइनस ख़त्म हो जाएगा, 20 × 0 ये हो जाएगा -13/5,
नीचे से ऊपर वाला एक एक काट सकते हो, कहीं भी हो, गुणा में है तो ठीक ना, चूंकि मल्टीपल में है। इसको काट दो चार से, चार चौक 16, ये चार पंचे 20। देखो चिन्ह मत भूलना, जो चिन्ह है वही लगता रहेगा। आगे देखते जाओ कितना मज़ा आता। अभी ये 1 आया था ना, ये -4 इंटू 1 अपान -7 और देखते चलना ऐसे, इंटू इसमें का बचा भाई 3 बचा है ना, नीचे 5 इंटू 0 इंटू -13 अपान 1। बस हो गया ना, ये 5 थोड़ा सा छोटा सा लिख देता हूँ इधर साइड में, ध्यान देना ये इतना आया ना। अब ज़रा गौर करिए आप, ऊपर ऊपर का गुणा कर लो नीचे नीचे का, ये 0 ऊपर ही माना जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा लो समझने के लिए, इसके नीचे भी 1 छिपा लो, अंश अंश का गुणा कर लो, हर हर का कर लो। 4 का 1 में करोगे 4, और 4 का 3 में 4, 3 जा 12, और 12 का 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा, और फिर 0 का -13 में करोगे तो फाइनल में हो गया 0। बात समझ में आई? अब आप बनने वाले हैं मैथ के हीरो। 7 5 जा 35 यानी कि 35, नीचे लिख दोगे क्या, माइनस में 35। आपको बहुत बार मैंने बताया है, भैया हो, बाबू हो, दादा हो, कि अगर किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो हमेशा 0 आता है। अब ये माइनस प्लस का लफड़ा नहीं देखना है। अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो कितने भी बीमारियां हैं उसके, कितना भी प्रॉब्लम है, सारी दूर हो जाती है ना। तो बस उसी तरह से ये क्या हो गया, सब 0 हो गया। ये तो हम आपको 2 मिनट पहले ही बता दिए थे, आप फालतू देखते थे अभी तक। चलिए आगे चलते हैं, भागना मत, अभी पूरा क्लास देखना। कुछ हमारे ऐसे भी सहपाठी जुड़े हैं जो कि इस समय ड्यूटी के दौरान भी क्लास देखते हैं, कहते हैं सर कुछ अभ्यास प्रश्न दे दिया करिए। ये लो होमवर्क ले लो जल्दी से फटाफट, इसको लगा करके और व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। अगर क्लास ज्वाइन किया आपने तो इसको चेक किया जाएगा, अगर नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा शुल्क पे करना होगा, अगर आपकी नहीं इच्छा है तो बाबू कुछ मत दीजिएगा, यूट्यूब पे देखते रहिए फ्री में, ठीक ना, मत करिएगा ज्वाइन, हल कर लीजिएगा बस। और हाँ, इनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके काम की चीज़ है। देखिए साथियों, इसको भी देखना, ध्यान से देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास को पूरा देखना, भाग के मत जाना बीच में। परिमेय संख्याओं का भाग, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर कैसे करते हैं ज़रा गौर से देखना। इसको तो छोड़ दो, पहले मत देखो, जाने दो, पहले इसको देखो, क्योंकि ये इसका क्या है, अंकल है। तो करेंगे क्या, इसमें मल्टीपल आपने देखा है गुणा, अंश का अंश में गुणा कर लेते हैं और हर का हर में, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर। ज़्यादा मुझे इंग्लिश नहीं आता लेकिन समझना थोड़ा थोड़ा। तो 5 का 1 में करोगे 5 और 9 का 3 में करोगे तो 27। ये रूल होता है गुणा का। जोड़ का देख लो, फिर भाग पे चलते हैं। इसमें क्रॉस मल्टीपल सबसे आसान होता है छोटे सवालों के लिए, 7 1 7 2 1 2 और ये 2 7 14, इस तरह से 9 अपॉन 14। इसको भी देख लो, 9 का मल्टीपल करोगे 9, -2 का 1 में करोगे 2 और ये 2, इस तरह से 7 अपॉन 2 आ जाएगा। बात समझ में आई? ये था जोड़, घटाना, गुणा और भाग मत बोलना, भाग तो ये है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है, एकदम प्यारा सा। पहले फ्रैक्शन को लिख लेते हैं वैसे हूबहू, उतना छोटा उतना मोटा, ठीक ना। उसके बाद क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन को लिखने के बाद जो भाग का चिन्ह है ना, उसको गुणा से अदली बदली कर लेते हैं भाई। लेकिन गुणा क्या बोलता है कि अगर आप अपना ये भाग का चिन्ह हटा के यहाँ गुणा लगाओगे ना, तो हम दूसरे वाले जो तुम्हारे भिन्न है उसको पलट देंगे, पकड़ के पैर उसका ऊपर कर देंगे, सिर नीचे। तो ये हो जाता है ऊपर और वो हो जाता है नीचे। सही लिखा मैंने, गलत लिखा जी? देखो 3/7 और ये भी 3/7 हो गया, सही है। अब गुणा कर लो तो 9/49 हो गया, यानी कि 9 अपॉन 49। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आया ना? कोई कन्फ्यूजन है तो बोल देना तुरंत। अगला, हाँ उसके पहले आपको बता दें, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। ये मैंने क्यों बोला, आप ही लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और क्या आप बंद तो नहीं कर देंगे, तो मैं आपको बता दूँ, आप ही लोग सब कुछ हैं जो भी हैं, हमारे पास कोई और दूसरा बिजनेस नहीं है ना, दूसरा कोई रोज़गार है ना, हम नौकरी करना चाहते थे और ना करना चाहते हैं। आप लोगों के सहयोग से PVR स्टडी में, आपके प्यार से कुछ लोगों को मौका मिल रहा है काम करने का, यही बहुत खुशी की बात है। हमारे भी यही उम्मीद थी कि हम नौकरी ना करेंगे और नौकरी हमारी वजह से कोई पा सके, इतना कोशिश ज़रूर करेंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करेंगे, 9/4 और इनटू, बस वही रूल लगा दो, इसको भी पलट दो, ये 16/36 हो जाएगा, है ना। अब कैसे करोगे, काट दो जो कट पिट रहा है, चूँकि ये तो कट नहीं रहा था, 3 से 7 ना कटेगा ना 3 से 60। सबसे बड़ी बात होती है, देखिए अगर कोई लड़ाई होती है ना, आपने देखा होगा, अगर दो परिवार हैं आपस में, भले बोलचाल नहीं है दादा चाचा में, लेकिन अगर बगल वाले पड़ोसी से लड़ाई होगी ना, तो कहेंगे मार सारे, साथ में आ जाएंगे, देखा होगा ना, होता है ये। तो इसमें क्या होता है भाई, ये आपस में नहीं कटते, कभी नहीं ऊपर ऊपर नहीं कटेंगे, हाँ ऊपर नीचे से कट सकते हैं, भले ये नीचे नीचे सीधा फीधा पे ना कटे, इधर से कटे, लेकिन कट सकता है। तो ये 9/9 और 9/4 = 36, 9 चौक 36 ना, इसको काट दो, 4/4, ये 4/4 = 16। अब तो आपको मिल ही गया होगा सब कुछ, 1/1 बचा, इसका कोई मतलब ही नहीं बचा, और ये 4/4 हम यहीं भी काट सकते थे, =1, फाइनल में कुछ भी करोगे एक आ जाएगा। बात समझ में आई ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना। देखो ये 36/16 हो गया, पहले से था, पलट गया, ठीक, 9 चौक 36, 4 चौक 16, ओके गुड, इसको भी कर लो। देखो ये ऑलरेडी लगा है भाई गुड़ा का चिन्ह, इसको हटा दो पहले, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ तामझाम पूरा करना है। तो 3/7 × और ये हो जाएगा 49/15। अब मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ, बताना काट के कितना आएगा, कमेंट करना, और चाहे क्लास 5 ही मिनट की हो, PBR स्टडी की कोई भी क्लास देखना जरूर, ये मत सोच के छोड़ देना यार 5 ही मिनट में क्या बताएंगे, जितना छोटी क्लास उतना मज़ेदार होती है। ईश्वर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। लाइने सही कहा कि गलत बताइएगा, मुझे ज़्यादा संस्कृत नहीं आती, लेकिन मैंने सुना था कभी आ गया ऐसे। इन क्वेश्चन को आप खुद से करना, ठीक ना, होमवर्क के लिए। और हाँ इधर भी देख लेना, जो लोग ब्रांडेड हैं, VIP सुविधा चाहते हैं, वो भी हम आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं मात्र 549 में। बाकी YouTube पे तो मज़े लेते रहो, फ्री में देखते रहो, ठीक ना। YouTube पे कोई भी क्लास का चार्ज नहीं पे करना है। जो लोग WhatsApp पे सारी क्लास को इकट्ठा पाना चाहते हैं, वो लोग 549 का पे करके इन क्लास को इकट्ठा पा सकते हैं। फिर आपको YouTube पे खोजने उजने का तामझाम नहीं रहेगा कि पहला मिल रहा है भाई, 8वां गायब है, 10वां मिल रहा है, 7वां गायब है, ये सब लफड़ा खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो WhatsApp नंबर दिया गया है, करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बिजली बचाओ मैं बहुत बोलता हूँ ना। देखिए बिजली की कीमत मालूम चलती जब नहीं आती तब। अब आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, बैटरी भी बैठ गई, इन्वर्टर भी गड़बड़ हो गया, बिजली नहीं आ रही 2 दिन से, काफ़ी गड़बड़ चल रहा सिस्टम, पानी बह रहा रात दिन। आप कहते हो हम तो पढ़ने वाले हैं, हमारा का मतलब है बहने दो साले को, जाने दो, जल विभाग वाले जिम्मेदार हैं, जल विभाग वाले आपके घर देने नहीं आएंगे, वो तो सब बेवकूफ़ हैं ही ऑलरेडी, इसीलिए तो चाहते हैं सरकारी नौकरी पाएँ, सरकारी नौकरी पा जाएँ बस छुट्टी। आखिर इंडिया वाले मरते क्यों हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जिम्मेदारी का पालन नहीं करेंगे, आराम से ऐश करेंगे। हर जगह देखिए, कोई भी सरकारी विभाग हो, भ्रष्टाचार हर जगह है, जो प्राइवेट कर दिए जा रहे हैं। कुछ लोग सवाल उठाते हैं भाई प्राइवेट काहे कर दे रहे हैं, ये तो देश को बेच दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं प्राइवेट करके। बिजली चली गई, देखिए अब ये क्लास यहीं पर वैसे भी बंद होने वाली थी फिलहाल, और ये बैटरी काफ़ी चार्ज नहीं हो रही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हल्का हल्का दिख रहा होगा, और इस क्लास को दोस्तों में शेयर करना, अगली क्लास फिर से होगी। आपको बता दें कि इस समय हम तैयारी कर रहे हैं, आपका PBR स्टडी को इनवाइट किया गया है YouTube एजुकॉन में दिल्ली में, तो 1 तारीख को हम वहाँ मिलेंगे, जो लोग वहाँ मिलना चाहते हैं वो लोग मिल सकते हैं। नंबर आप सभी के पास में है, कोशिश करिएगा, हम जो भी लोग रहेंगे आप फ़ोन कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो उसका जवाब दिया जाएगा, और आप उचित समय पर वहाँ पर मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इन बातों के साथ, जय हिंद जय भारत। जाते जाते एक रिक्वेस्ट होगी, बिजली बचाइए, पानी बचाइए, ज़िंदगी बचाइए, आने वाला फ्यूचर को सेव करिए, और अन्यथा फिर ऐसे पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आने वाले आपको गाली देंगे, और फिर पानी नहीं मिलेगा पीने को, और ना ही लाइट रहेगी।